ऑब्वियसली बात है, मुझे काफी स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पे भी मैं भूल गई थी उसका LMS पे सेक्शन बनाना, ठीक है तीनों हो गए। अच्छा, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर अभी हमने डिस्कशन करनी थी। क्वेश्चन नंबर जो क्लास वर्क नंबर 7 था उसमें सेफ्टी स्टॉक इन्वॉल्व हो रहा है। क्लास वर्क नंबर 7 भी किया है ना सबने, तीन किए ना, क्लास वर्क 5, 6 और 7, राइट। तो क्लास वर्क नंबर 7 में मैंने इसीलिए आप लोगों को दे दिया था कि सेफ्टी स्टॉक का इतना कोई इश्यू नहीं है, प्लस मैंने आप लोगों को सेफ्टी स्टॉक का जो भी रेलेवेंट फॉर्मूला है वो तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना, जो भी इसमें इस्तेमाल होना है। तो चले जी, तो पहले जरा देख लेते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो सबमिट कराए है। काम ये करते हैं क्लास के एंड पे ही कर लेंगे, ठीक है, ताकि वैसे भी थोड़ा जो हमें बेसिक डिस्कशन करनी है वो पहले हम कर लें। चले जी, पहले मुझे बताइए क्लास वर्क नंबर 5 में किसी को कोई इश्यू, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? जी पूछिए शाहजेब, माइक ऑन कर दें तो जल्दी हो जाएगा। थर्टी 37.5 आ रहा है, ये क्या हमने पढ़ा हुआ है? अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर आपके डेसिमल्स में आए तो आपने क्या करना है, राउंड कर देना है, क्योंकि ऑर्डर्स आपके डेसिमल्स में तो नहीं हो सकते है ना, है ना। तो अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स 37.5 आ रहे हैं तो आप नंबर ऑफ ऑर्डर्स 38 ले लो। जी क्या डिफरेंस आ रहा है दर्शाद? पीछे आपने सॉल्यूशन से मैच किया होगा, ठीक है शाजिद। ये चीज मैंने शायद आप लोगों को रीड भी कराई थी नो, व्हेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स आर इन डेसिमल राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट कंप्लीट नंबर। सॉल्यूशन चेक करें, वो गलत है। अच्छा जी एक मिनट, 38 ऑर्डर्स, लेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बी 38। ये 37.5 तक को ठीक आ रहा है ना, कहाँ पे एरर है कैलकुलेशन का? रिवाइज ईओक्यू प्रैक्टिकल ऑर्डर साइज। अब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो है नंबर ऑफ ऑर्डर्स के हिसाब से आपने रिवाइज करना है। चलें जी इधर देख लेते हैं इसको, क्लास वर्क नंबर 5 किधर गया इसका सॉल्यूशन। चलें जी, ये आपके पास क्लास वर्क नंबर 5, ठीक है। अच्छा जी, आपने ईओक्यू कैलकुलेट किया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहली बात ये कि सवाल में रिक्वायर्ड क्या था, सवाल में ये रिक्वायर्ड था कि आपने ईओक्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट एट ईओक्यू, ये दोनों चीजें आप लोगों को कैलकुलेट, तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अच्छा जी ठीक है जनाब, देखते हैं इसको। 3600 यूनिट से आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपका बन गया 3600 यूनिट, ये तो आपके पास इस तरह से कैलकुलेट हो गया, इसमें मेरे ख्याल से कोई एरर है, ठीक है। हाँ जी ये 3600 है, यूर राइट, ये 3600 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जनाब। नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो आपका निकला 36। अभी अब हम क्या कैलकुलेट करें, अपना ऑर्डर ऑर्डर कॉस्ट वगैरह ईओक्यू जरा हम दोबारा से अपना चेक कर रहे हैं कि क्या हिसाब किताब बनता है। नंबर ऑफ ऑर्डर जब आप कैलकुलेट करते हैं 1,35,000 यूनिट जो यूनिट है ये आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, 3600 आपने ऊपर वाले फॉर्मूले से ईओक्यू डाला, तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ रहा है डेसिमल्स में। अब आपके पास ऑर्डर्स जो है वो आधे तो हो नहीं सकते, 37.5 ऑर्डर्स तो हो नहीं सकते, या तो 37 ऑर्डर्स होंगे या 38 होंगे, तो आप उसको राउंड अप कर दें, ठीक है। नियरेस्ट नॉर्मली आपने मैथ में ये पढ़ा हुआ ना कि जब 0.5 आ रहा होता है तो हम राउंड अप करते हैं, राइट। तो वैसे आपने नियरेस्ट ऑर्डर्स लेने हैं जो भी आपके नियरेस्ट हैं, अगर ये 37.2 आ रहा होता तो हम 37 ऑर्डर्स ले लेते, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स बी 38। अब अगर हम 38 ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो जाहिर सी बात है ईओक्यू पर आपका 3600 यूनिट्स तो नहीं होगा ना, है ना। फिर आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो आपका बनता है प्रैक्टिकल, वो क्या बनता है, वो आपका बनेगा 1,35,000 डिवाइड बाई 38 यानी कि 3,632 यूनिट्स। चलो ठीक है, 32 यूनिट्स का फर्क है, हमें प्रैक्टिकलिटी भी तो लेनी है ना। 1,00,000, अच्छा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं कैलकुलेशन का चेक करूँ, हैंग ऑन अ सेकेंड। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 38 ये आपका बन रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ये 3,632 नहीं बन रहा, ये 3,552 बन रहा है, 3,552, ठीक है जी जनाब। बच्चे रिवाइज ईओक्यू हम दोबारा क्यों निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिकलिटी जो है वो उसकी ले निकलाने के लिए ना। फिर आप क्या कहेंगे, अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर 3600 यूनिट, तो आप खुद सोचो ना, आपने कैलकुलेशन की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रही है 3600 यूनिट्स,
लेकिन जब आप प्रैक्टिकली 3600 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो 37.5 बनेंगे. यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने हर ऑर्डर फिक्स रखना है, आपने हर ऑर्डर 3600 यूनिट्स का ही करना है. जब आप 3600 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो आगे जाके वो प्रैक्टिकल हमें नजर नहीं आ रहा. 1,35,000 टोटल आपको यूनिट्स नहीं चाहिए, आप उससे ज्यादा नहीं जाएंगे. ठीक है, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो 37.5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका एक्सपेक्ट हो रहा है कि तो वो तो आप कहोगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? तो फिर हमने क्या कर दिया, हमने कहा कैसे जी, अब हम जरा इस फिगर को थोड़ा सा राउंड अप कर देते हैं. हम कहते हैं कि अगर ऑर्डर्स हमारे 38 होते हैं तो बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे एरर है. होपफुली नए एडिशन में ये एरर्स नहीं होंगे जो इस तरह के अगर पहले टीचर्स ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो. ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं. अब जिन लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होगा वो कंफ्यूज हो रहे होंगे, विच इज वेरी गुड, जो मैं चाहती हूँ. ठीक है, 3552, राइट? तो 3552 जो है, या 3553 इसको कर लें, ये हमारा ऑर्डर साइज हो जाएगा. ठीक है, 3553, इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात सबको समझ आ गई? जो मसला था, कंफ्यूजन था कि गलत आ रहा था, जिन लोगों ने कहा कि कोई मसला नहीं है उन लोगों को या तो उन्होंने गलत सॉल्व किया. हाँ जी, क्लासवर्क नंबर 5 में तो यहाँ पे एरर है पीछे. चलें ठीक है, ऑब्वियसली बात है, फिर सारी चीजें आगे गलत होंगी ना. अगर उन्होंने 3632 के बेसिस पे सॉल्व किया है तो वो फिर गलत है. ठीक है, आगे चलते हैं. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर हमारी कितनी होगी, ये तो हमारी बिल्कुल ठीक फिगर है क्योंकि ये तो आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया, 38 × 240. यहाँ तक बात क्लियर है? एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑब्वियसली बात है हमारी चेंज हो जाएगी. कितनी हो जाएगी ये, 3553 / 2 × 5, इज दैट क्लियर? हाँ जी, होल्डिंग कॉस्ट भी गलत है ऑब्वियसली बात है. ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, 8883. अब बात समझ आएगी, तो वेरी गुड, ये आपका सही अमाउंट हो गया, ये आपका गलत अमाउंट हो गया, जबरदस्त. अब बताइए, अब इसमें कोई मसला? चलें जी, ठीक है, बात क्लियर होगी. चलें जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि. चलें अब आगे चलते हैं, क्लासवर्क नंबर 6 पर आ जाएं. क्लासवर्क नंबर 6 में क्या था, इसमें हमने जो है वो पार्ट ए तो सॉल्व कर लिया था, राइट? पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया था. पार्ट बी में नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने थे और पार्ट सी में मैंने आपको कहा था कि जी एक ऑर्डर पहले और एक ऑर्डर बाद का काम करके आपने बेसिकली कंपैरिजन करनी है इस तरीके से. क्लासवर्क नंबर 6 में बताइए कोई मसला, ये मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है इसका तो. मैंने खास तौर पे ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं है क्योंकि आप एग्जैक्टली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं कर रहे ना. आप 3600 यूनिट अगर आपका होता एग्जैक्ट तो फिर आपका बिल्कुल सेम आना था, राइट? यहाँ पे अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. हमने ऊपर क्या पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो हमने उसमें रीड करते हुए जो लेक्चर नोट्स थे उनमें ये बात पढ़ी थी कि या तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे फिक्स रहना है, यानी कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉलो करना है, या एज क्लोज एज पॉसिबल टू ईओक्यू. Are you getting my point? आपने बस अपना ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल जो वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है उसके दरमियान या तो डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाए या फिर जितना कम हो सकता है उतना हो, यानी कि वो हम फिर इसका मतलब है कि हम ऑप्टिमम पॉइंट की जितना करीब जा सकते हैं ना प्रैक्टिकली हमें हो जाना है. तो या तो आप बिल्कुल जीरो पे खड़े हो जाओ अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर पूरा होल नंबर में आ रहा होता 37 और आ रहा होता लेट्स से ईओक्यू को फॉलो यूज करके, राइट? तो हम क्या कहते हैं, हम यही कहते हैं कि जी 3600 यूनिट्स अब ऑर्डर प्लेस करना हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, राइट? तो अगर हम 3600 यूनिट्स ही ऑर्डर प्लेस करते तो फिर हमारा एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट लाजमी तौर पर सेम आना था उस फॉर्मूले को यूज करके, अगर जो भी फिगर आ रही है, इज दैट क्लियर? लेकिन आप क्योंकि हम उसको थोड़ा डेविएट कर रहे हैं ना, हमारा जो इक्वल आना था वो आना था 3600 यूनिट्स पे, लेकिन आप अभी एक्चुअली प्रैक्टिकल आपके लिए ईओक्यू क्या है, प्रैक्टिकल ईओक्यू इज 3553, इज दैट क्लियर? जब 3553 आप यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में, बट दैट विल बी द मोस्ट मिनिमम प्रैक्टिकल डिफरेंस दैट यू कैन गो फॉर. चलें जी, क्लासवर्क नंबर 6 में बताइए. क्लासवर्क नंबर 6 में पार्ट ए तो हमने सॉल्व कर लिया था, राइट?
पार्ट ए हमने सॉल्व कर लिया था, पार्ट बी में वो कह रहा था कि जी आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम करना है, तो 760 आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट थी, आपने उसको डिवाइड करना है ईओक्यू से, तो जाहिर सी बात है आपको पता लग जाएगा कि 5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपने जो है 5 ऑर्डर्स आपने प्लेस करने हैं पूरे साल में, राइट। और फिर पार्ट सी में वो कह रहा है कि यू नीड टू वेरीफाई योर आंसर इन बी, आपको ये अपना आंसर वेरीफाई करना है कि जी ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ये हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ वही है जो है क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं, और आपने अज्यूम करना है एक नंबर हाई करना है या दो नंबर हाई करना है, ऐसा कोई उसने आपको फिक्स करके नहीं बताया हुआ कि यू हैव टू जो है वो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स 5 आपका ईओक्यू के बेसिस पर है तो आप 4 और 3 6 को ही यूज करें, आप 7 भी यूज कर सकते हैं, आप 3 भी यूज कर सकते हैं, दैट क्लियर। बस आपने इस बात को कोरोबोरेट करना है, इस बात को आपने वेरीफाई करना है कि हाँ जी 5 नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही हम प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो। हाँ जी आवाज का इश्यू आ रहा है, वॉइस इज ट्रेम्बलिंग या क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी मज़ा में अपेरेंटली सम इश्यू डाउन योर एंड, ठीक है चलें जी। जी, जैसे पहले आ जाती होपफुली अभी बात समझ में आ जाएगी, ठीक हो जाएगी इश्यू। हाँ जी क्लास वर्क नंबर 6 में बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था क्वेश्चन समझने में? किसी को इश्यू तो नहीं हुआ था कि क्वेश्चन में वो मांग क्या रहा है? यू नीडेड टू वेरीफाई योर आंसर इन पार्ट बी यूजिंग ऑर्डर साइज हायर देन, सॉरी ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर मोर देन वॉट यू कैलकुलेटेड, अज्यूमिंग हायर नंबर ऑफ ऑर्डर देन इन बी एंड अज्यूमिंग लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर देन इन बी। तो आई होप ये सवाल की रिक्वायरमेंट भी सबको समझ में आ गई। क्लास वर्क नंबर 6 में कोई इशू? अब हम आते हैं जल्दी से क्लास वर्क नंबर 7 पे, जो आपका एक और होम असाइनमेंट था, लेकिन उससे पहले हम जरा सेफ्टी स्टॉक की रिक्वायर जरा उस पर देख लेते हैं, लेकिन अपेरेंटली आप लोगों से वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक होता क्या है? ठीक है, जब हमने स्टॉकआउट कॉस्ट भी पढ़ लिया था, राइट। स्टॉकआउट कॉस्ट क्या होते हैं? दीज कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम नॉट हैविंग इनफ इन्वेंट्रीज इन स्टॉक टू मीट द कस्टमर्स नीड्स। अगेन मतलब आपने आपकी शॉर्टेज हो गई, ठीक है। कस्टमर आपके पास आया तो पता चला कि आपके पास सफिशियंट स्टॉक है ही नहीं कि आप उसके ऑर्डर्स को फुलफिल करें। मैंने बाय द वे चैट मिनिमाइज कर दिए, तो अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मैं थोड़े टाइम के बाद रीड करूंगी, ठीक है। तो कस्टमर आया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया, आपको पता चला कि आपके पास तो सफिशियंट स्टॉक है ही नहीं कि आप उस ऑर्डर की उस कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करें, ठीक है। तो क्या होगा उसे, आपको क्या लॉस होगा? सबसे पहली बात तो ये कि कस्टमर को अगर वो अर्जेंटली चाहिए तो वो क्या करेगा, दूसरे सप्लायर्स के पास चला जाएगा, है ना। कस्टमर लॉस सेल्स हो जाएंगी, कस्टमर्स इलविल हो जाएगा कि कस्टमर्स के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि यार जब भी इनके पास जाओ तो इनके पास तो स्टॉक होता ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, एंड द कॉस्ट ऑफ एक्सपीडाइटिंग ऑर्डर्स फॉर गुड्स नॉट इन स्टॉक। अब क्या एक और काम क्या हो सकता है, वो कस्टमर कह रहे हैं कि ठीक है जी मैं इंतजार कर लेता हूँ लेकिन थोड़ा जल्दी करें, है ना। अब आपको क्या करना पड़ सकता है, आपको ये करना पड़ सकता है कि आपको अब जल्दी जल्दी कहीं से अरेंज करना पड़ सकता है, तो हो सकता है कि जी इसमें आपको एडिशनल खर्चा आए, है ना। अब आपको पता है कि जी अब आप नॉर्मल टाइम शायद नहीं ले सकते टू फुलफिल द डिमांड ऑफ दैट कस्टमर्स, तो जनरली गिवन एन एग्जाम स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो जितना आपके पास शॉर्टेज होगा स्टॉक का उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टॉक आउट कॉस्ट खर्चा आपका इनकर होगा, ठीक है। तो ये क्या है इसको हम आगे जाके क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी इन क्वेश्चंस में इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने फॉर द टाइमिंग क्या करना है, हमने फॉर द टाइमिंग मैंने आपको पहले लिखवा दिया था कि फॉर द टाइमिंग शॉर्टेज कॉस्ट भी हमने इग्नोर करनी है, राइट। सेफ्टी स्टॉक क्या होता है, सेफ्टी स्टॉक अगेन, या आपके पास दो ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास कि या तो आप अपनी इन्वेंटरी इस तरह से मैनेज करें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी एक चीज है, ये मैं आपको एंड में ना एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हो सका तो मैं आपको ग्राफिकली ये चीज पूरा सिखाऊं समझाऊंगी, ये जितना भी हम लोग रीऑर्डर लेवल वगैरह है, अगर तो मुझे लगा कि भाई ये जरूरी है और क्लास को एक एडिशनल जो है वो समझने की जरूरत है, अगर तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आ गई तो फिर कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे एंड पे कि उसकी जरूरत है या नहीं। तो आपके पास दो सिचुएशंस बनती हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं किसी भी एंटिटी के पास, इन अदर वर्ड्स उसके पास ये चॉइस है, क्या चॉइस है कि वो कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ही ना करे। अब अगर वो
अच्छा, अभी बात मेरी गौर से सुनिएगा, थोड़ा टेक्निकल है, सिर्फ समझने वाली बात है, इसमें लिखवाने वाला कुछ नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, अच्छा जी, सेफ्टी स्टॉक, अगर आपकी पॉलिसी है कि आपने कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करना, पॉलिसी है ये, मैनेजमेंट की चॉइस पे होता है, ठीक है? अगर तो कोई उसने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करना, तो मेरी बात याद रखिएगा, होगा क्या, मैंने बिजनेस आज के दिन स्टार्ट किया, मैं ऑर्डर प्लेस करूंगी, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैं आगे की बात कर रही हूँ, ठीक है? मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, मुझे लीड टाइम क्या है, लीड टाइम वो टाइम है मुझे 20 दिन के बाद सप्लायर ने वो ऑर्डर सप्लाई करना है, ठीक है? 20 दिन गुजर गए, उस टाइम तक मैं खाली हाथ बैठी हुई हूँ, यस और नो? मैं खाली हाथ है, मैंने बिजनेस अभी शुरू किया, वो तो एक अलग ही सिनेरियो ना। अच्छा जी, अब 20 दिन के बाद मेरे पास जो है वो स्टॉक आ गया, राइट? और अब मैंने उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, मैंने उसको प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं अगर मैंने अपनी पॉलिसी ये बना ली है कि जी मैं कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करूंगी, तो अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, होगा क्या, लेट्स अज्यूम कि मेरा ऑर्डर साइज है कितना, 10,000 यूनिट, ठीक है? 20 दिन के बाद मेरे पास जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो मेरे पास यूनिट आए हैं वो कितने आए हैं, 10,000 यूनिट का मुझे एक ऑर्डर रिसीव हो गया सप्लायर से। अब मैं क्या करूंगी, उसको कंज्यूम करना मैंने शुरू कर दिया प्रोडक्शन में, तो मेरा आहिस्ता आहिस्ता 10,000 से लेवल नीचे गिरता गया ना, है ना? आहिस्ता 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 क्या हुआ कि मेरा जो इन्वेंट्री लेवल है वो नीचे होता गया। अच्छा, अब क्या होगा, एक ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा, मैंने एक पॉइंट फिक्स कर लेना, ये भी कैलकुलेशन के थ्रू हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसको मैंने क्या कहा था आपको बताया हुआ है, रीऑर्डर लेवल, राइट? इसको हम सब स्टडी करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। मैंने ये बात फिक्स की हुई है कि भाई कैलकुलेशन से ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये बात पता है कि जैसे ही मेरा लेवल 2,000 यूनिट्स होगा ना, जैसे ही मेरी इन्वेंट्री गिर के 2,000 यूनिट्स पे आ जाएगी ना, मुझे एक सिग्नल दे देगा सिस्टम मेरा या मेरा स्टोर मैनेजर, मैंने उसको बताया हुआ है, मैंने उसको ये बोला हुआ है कि जैसे ही मेरी इन्वेंट्री लेवल 2,000 यूनिट्स पे गिरेगी ना, तुमने मुझे बता देना है, क्योंकि मैं बस फ्रेश ऑर्डर प्लेस करूं, ठीक है? अब अगर मैं कोई सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करी, तो 2,000 यूनिट्स का लेवल ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा कि अब आपको पता है कि लीड टाइम यानी कि वो 20 डेज लेगा ना, मैंने ये ऐसी कैलकुलेशन की होगी, मैंने इस लेवल पे प्लेस कर दिया ऑर्डर, ऑर्डर सिर्फ अभी प्लेस किए अगले 10,000 यूनिट्स का, अगले 20 दिनों में क्या होगा कि मेरा इन्वेंटरी लेवल पहुंच जाएगा कितने पे, जीरो पे। यहां तक बात समझ आ रही? मेरा ये जो 20 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, 20 डेज मेरा लीड टाइम है, 20 डेज में मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 20 डेज में अब मैं ऐसे कंज्यूम कर रही हूँ कि मेरा 2,000 यूनिट अल्टीमेटली जीरो जाएंगे, और मेरा सिस्टम इतना परफेक्ट है कि जैसे ही मेरे 2,000 यूनिट जो है वो खत्म हुए, ठीक है, जैसे ही मेरे, ये मेरा रीऑर्डर लेवल है, जैसे ही मेरे 2,000 यूनिट्स फर्दर कंज्यूम हुए और मेरी इन्वेंट्री जीरो हुई, उसी दिन खटाक से क्या हुआ, मुझे मेरा ऑर्डर रिसीव हो गया और मेरी इन्वेंट्री बढ़ के कहाँ पे पहुंच गई, 10,000 यूनिट्स पे पहुंच गई। ये बात सबको समझ आ रही है? यानी कि यहाँ पे मेरे पास कोई बफर स्टॉक नहीं है, कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, और मैंने ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस की हैं, मेरा सिस्टम ऐसे परफेक्टली अपेरेंटली चल रहा है कि मैं जैसे ही मेरा इन्वेंटरी लेवल जीरो होता है, अब उसके अंदर क्या पोजीशन है इसमें, यहाँ पे मेरा सप्लायर की अंडरस्टैंडिंग, मेरे लीड टाइम के ऊपर सर्टेनिटी बहुत पुख्ता होनी चाहिए, यानी कि मेरा सप्लायर इतना एफिशिएंटली काम करे कि जी वो 20 दिन ही लगाए। वजह क्या है, अगर वो 20 दिन के बजाय 21 या 22 दिन ले लेता है मेरे ऑर्डर को सप्लाई करने में, तो मुझे क्या मसला हो जाएगा, मुझे शॉर्टेज में एक्सपीरियंस कर सकूंगी, है ना? मेरा तो इन्वेंट्री 20 डेज में जीरो हो गया, है ना? मैंने ऑब्वियसली बात है, कंजम्पशन काफी हद तक फिक्स ही होती है, आपको पता होता है कि हर दिन आपने कितना प्रोडक्शन करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो 20 दिन के बाद तो मेरा इन्वेंटरी लेवल जीरो हो गया। अब लेट्स अज्यूम सप्लायर को कोई मसला हो गया और वो 20 डेज में आपको डिलीवर नहीं कर पाता, वो 2 दिन और ले लेता है। अब अगर 21st डे को कोई कस्टमर मेरे पास आ जाता है कि जी मुझे यूनिट्स चाहिए या मुझे फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, तो हम कहेंगे आई एम सॉरी, हम तो फारिग बैठे हुए हैं, हम तो अभी इन्वेंट्री का इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास तो कोई सेफ्टी स्टॉक था ही नहीं, है ना? हमारी इन्वेंट्री तो कल ही क्या होगी, रॉ मटेरियल हमारा जीरो हो गया, आज और कल हमारी प्रोडक्शन बंद हो गई है, सप्लायर कह रहा है मुझे 2 दिन और चाहिए, तो आप 2 दिन के बाद आना। यहाँ तक बात क्लियर है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब ये अगेन एंटिटी के
पॉलिसी पे डिपेंड करता है, वो सेफ्टी स्टॉक जो है वो ना रखे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके लिए भी यही बात है कि अंडरस्टैंडिंग और इतना सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सप्लायर से इतना आपका जो है वो इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए सप्लायर पे कि आपको पता है कि भाई स्टॉक आउट के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बहुत कम चांसेस हैं कि वो लीड टाइम से ज्यादा टाइम लेगा टू सप्लाई और ऑर्डर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अगर आपका पॉलिसी ये है कि आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करना है, तो अब सेफ्टी स्टॉक अगेन क्या होता है, टू मिनिमाइज स्टॉक आउट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड। अब ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है एक और सिचुएशन, एक तो हमने ये सिचुएशन देख लिया ना कि सप्लायर ने लीड टाइम से ज्यादा ले लिया। आप ये वाली बात भी तो कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई क्या पता इन 20 दिनों में सप्लायर वही 20 दिन ही लेगा ऑर्डर डिलीवर करने के लिए, उसको पता है कि भाई मेरे पास 20 दिन है, वो 19 दिन में डिलीवर नहीं करेगा, वो 20 डेज ही लेगा। उसको भी तो अपना प्रॉपर प्रोडक्शन करनी है, सारा काम करना है, वो जल्दी नहीं कर रहा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप एक और बात भी कह सकते हैं कि भाई इन 20 दिनों में हो सकता है 2000 यूनिट से ज्यादा आप कंज्यूम कर ले, आपको जरूरत पड़ जाए, है ना। तो पता ये चले कि आपकी जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपकी फिनिश प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ गई 20 दिनों में कि आपने ये जो 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल है ये 15 दिन में ही कंज्यूम कर लिए। तो आप बताएं जरा, आप 15वें दिन जीरो स्टॉक पे बैठे हुए, क्लियर हो गई बात। आपके 15 डेज के बाद स्टॉक लेवल आपका हो गया जीरो, तो अब क्या होगा, आपको पता है कि अभी भी ऑर्डर आने में 5 दिन बाकी हैं, तो 5 दिन आपको क्या होगा, शॉर्टेज रहेगी स्टॉक की, रॉ मटेरियल की। तो जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास दो रीजंस है जो है शॉर्टेज की, एक तो ये है कि आपकी डिमांड आपकी जो है वो उससे इंक्रीज हो जाए, है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन से इंक्रीज हो जाए, और दूसरा क्या हो जाए, दे माइट बी डिलेज इन डिलीवरी, 20 डेज के बजाय वो 25 डेज ले ले टू डिलीवर योर ऑर्डर। तो क्या कर सकते हैं उसमें, अ बफर स्टॉक इन एक्सेस ऑफ एवरेज रिक्वायरमेंट्स इज ऑफन मेंटेन्ड, सच अ बफर स्टॉक इज कॉल्ड अ सेफ्टी स्टॉक। सो यू हैव टू यू कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक एज वेल एज, अब आगे जाके हम देखेंगे कैलकुलेशन उसमें क्या क्या होती है, ठीक है। तो सेफ्टी स्टॉक सिंपली स्पीकिंग आपके पास क्या होता है कि आपको ये बात पता है कि जी अगर हम उसको ग्राफिकली देखें तो होगा क्या, कुछ होगा इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सेफ्टी स्टॉक हमने मेंटेन किया हुआ है 1000 यूनिट्स का, ठीक है, तो आपने ऑर्डर प्लेस किया 11000 यूनिट्स का, ठीक है, आपने 11000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस किया, अब वो कंजम्पशन हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है हो रही है, 3000 यूनिट्स के ऊपर आपने रीऑर्डर करना है, ठीक है, 3000 यूनिट्स पे आपने कर दिया री ऑर्डर। ये सब चीजें हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर समझ में ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, एट ऑल टाइम्स आपके पास 1000 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मौजूद है। यहाँ पे जैसे 1000 यूनिट्स आपके पास अभी भी पड़े हुए होंगे, ठीक है, क्या होगा हिसाब किताब, जिस दिन पे आपको ऑर्डर रिसीव होगा ना उसमें आपके पास 1000 यूनिट्स पड़े हुए होंगे ऑलरेडी बफर में आपने रखे हुए थे। ऐसी बात ये नहीं है कि आपका जो है वो इन्वेंट्री लेवल जीरो होगा तो फिर वो रिप्लेनिश होगा। इन दिस सिनेरियो सेफ्टी स्टॉक के केस में आपके पास एट ऑल टाइम्स क्या होगा, जैसे ही अगर आपको 20 डेज के बाद जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आपकी वेयर हाउस खाली होगी, उस वेयर हाउस में 1000 यूनिट्स पड़े हुए होंगे क्योंकि वो आपने बफर लेवल मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। तो 20 डेज में आपको ऑर्डर रिसीव होगा तो गुड हो गया, लेकिन अगर वो 20 डेज से ज्यादा लेता है या अगर आपकी जो कंजम्पशन है वो ज्यादा हो जाती है एक्सपेक्टेशन से, एवरेज कंजम्पशन से ज्यादा आप कंज्यूम करते हो रॉ मटेरियल, तो आपके पास क्या होगा, आप कभी भी स्टॉक आउट में नहीं जाओगे, रिस्क आपके पास नहीं है। ऑब्वियसली बात है ये पूरा प्रॉपरली कैलकुलेटेड लेवल होता है। इसमें भी हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपने बफर स्टॉक इतना मेंटेन करना है कि भाई वो मैक्सिमम आपकी यूसेज भी उसमें कवर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर मटेरियल बाय, होपफुली इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। इसमें ये तो आपके पास हो गया, क्या इसमें किसी को कोई इशू कोई मसला कोई परेशानी जल्दी से बता दें। क्लासवर्क नंबर 7 का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है जी। फिर आगे आते हैं, दूसरा पार्ट ये था कि आपको टोटल ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, अब आपको क्या करना है। अब याद है आपको मैंने आप लोगों को विद सेफ्टी स्टॉक एक एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखवाया था, क्या था, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, याद है शुरू शुरू में जी। एग्जैक्टली, सेफ्टी स्टॉक पर भी होल्डिंग कॉस्ट आएगी, बिल्कुल ठीक।
अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर सेफ्टी स्टॉक इन्वॉल्व होगा तो फर्क सिर्फ ये है कि आप जो एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं टू कैलकुलेट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। अब क्या होगा, अब आपके पास एक्चुअली क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या सिनेरियो आपके पास बन रहा है कि ये सेफ्टी स्टॉक भी आपके वेयर हाउस में पड़ा हुआ होगा, यस और नो? तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर भी कैरिंग कॉस्ट आएगी। तो ऑर्डर साइज को डिवाइड करना है सिर्फ टू से और प्लस करेंगे आप सेफ्टी स्टॉक, तो ये आपके पास जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है या एनुअल कैरिंग कॉस्ट है उसमें ये ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये जो अगर एवरेज इन्वेंट्री आप यूज करना है आपने, उसके अंदर आपने सेफ्टी स्टॉक का एलिमेंट ले लेना है। जी जनाब, अब बताइए इसमें, अब जिन्होंने क्लास वर्क नंबर 7 का पार्ट 2 नहीं किया था ऑन अकाउंट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, आई होप अब उनसे ये क्वेश्चन पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ईओक्यू तक में कोई मसला नहीं होना चाहिए। पार्ट बी के अंदर क्या हो रहा है, आपके पास आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट कर लिए 10 है, एवरेज इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक कितना है, यहाँ पर ऑर्डर साइज है 360 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया आपने 180, सेफ्टी स्टॉक आपका 30 यूनिट्स है, तो 180 प्लस 30 एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी हो जाएगी, 210 यूनिट्स हो जाएगी। तो आपने बेसिकली एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए 210 को मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, जो कि 2500। ठीक है, तो 210 को मल्टीप्लाई कर दिया 2500 पर यूनिट पर एनम, तो ये आपके पास टोटल एनुअल कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट होगी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें, आपने तो एग्जैक्टली ईओक्यू यूज किया है, नोट किया आपने, ये आपने एग्जैक्टली क्या यूज किया है, आपने एग्जैक्टली ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 360 कैलकुलेट हुई थी, और आपने इसको कोई जिस तरह नंबर ऑफ ऑर्डर आपने राउंड अप या राउंड डाउन तो किया ही नहीं है ना। क्लास वर्क नंबर 5 में एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का फर्क इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली ईओक्यू नहीं लिए थे, राइट? वो हमने थोड़े ऊपर नीचे कर दिए थे, इस वजह से थोड़ा सा हमारा डिफरेंस आ रहा है, राइट? अब यहाँ पे क्या पोजिशन है, यहाँ पे तो हमने एग्जैक्टली 360 केजी को ही इस्तेमाल किया बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकल है ना, उसके थ्रू नंबर ऑफ ऑर्डर 10 ही आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल है, राइट? तो अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने 360 लिया है तो आप देखें यहाँ पे ये क्या मसला हो गया, ये हमारा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सेम आ ही नहीं रहा, तो ये क्या बात हुई? हमें तो ये पता है कि ईओक्यू पे हमारा लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए, एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम आने चाहिए, तो यहाँ पे तो सेम ही नहीं आ रहे, तो क्या मसला है, ये फॉर्मूले में हमने गलती कर दी, क्या हो गया, क्या वजह है? ये जो एडिशनल 5,25,000 में जो इंक्रीज है बेसिकली 4,50,000 से, दिस इज एंटायरली ड्यू टू सेफ्टी स्टॉक। आप खुद ही कैलकुलेट कर ले, क्या कैलकुलेट करना है, सेफ्टी स्टॉक के ऊपर कितना बनता है होल्डिंग कॉस्ट, जरा ये मुझे बता दे। सेफ्टी स्टॉक आप कह रहे हो कि 30 मेंटेन करना है, राइट? तो 30 × 2500, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। जी कितना कैलकुलेट हो रहा है, 30 × 2500, हाउ मच इज इट, 75,000। अब अगर आप मुझे जरा ये बताइए कि अगर ये सेफ्टी स्टॉक ना होता तो फिर मेरी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कितनी होती, है ना? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, तो मेरी अभी जो एनुअल होल्डिंग कॉस्ट है वो आ रही है 5,25,000, तो 5,25,000 में से 75,000 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर वही नहीं आ रहा, 4,50,000 नहीं आ रहा, तो ये क्या है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो आपके पास ये जो सिर्फ डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है, क्योंकि अब आपने सेफ्टी स्टॉक को इन्वॉल्व कर दिया, उसके ऊपर तो आपको एडिशनल होल्डिंग कॉस्ट करनी है ना, ईओक्यू भले जो भी हो, है ना? अब इसका ताल्लुक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से तो नहीं है ना, आपका सेफ्टी स्टॉक कितना होगा इसका अपेरेंटली कोई अभी तक डायरेक्ट ताल्लुक थोड़ी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो आपने बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, इज दैट क्लियर, यस और नो? चले मेरे ख्याल से 8 बजे तक हम क्लास ले ही लेते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ हर हाल में परचेज जो है वो ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना ही है, ठीक है? तो थोड़ी हिम्मत मैं भी कर लेती हूँ। अब हम ऐसी चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं
जो हमने शुरू में अज्यूम किया था, इग्नोर्ड फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और वो क्या है, इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड पे थोड़ा समझा दूं। अभी तक हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए हैं उसमें हमारी बेसिक अजम्पशन क्या रही है कि हमने सिर्फ दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट को कंसिडर किया है, ठीक है। और वो कौन सी दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट हैं, वो है आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट यानी कि कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। हमने फर्दर दो टाइप्स ऑफ कॉस्ट को टोटली इग्नोर कर दिया था। एक हमारी क्या थी, परचेज कॉस्ट, और एक शॉर्टेज कॉस्ट, राइट, स्टॉकआउट कॉस्ट। स्टॉकआउट कॉस्ट अभी भी हम इग्नोर कर रहे हैं। अब हम जरा परचेज कॉस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हमने जितने भी सवाल अभी तक सॉल्व किए हैं उसमें हमने परचेज कॉस्ट को क्यों नहीं कंसिडर किया था फॉर डिसीजन मेकिंग, वो इसलिए नहीं कंसिडर किया था क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो, जो भी ऑर्डर साइज हो, जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप प्लेस करें, ज्यादा करें कम करें, ऑर्डर साइज बड़ा हो ऑर्डर साइज छोटा हो, सप्लायर हमें 10 रुपए की चीज 10 रुपए की ही दे रहा है, भले हम एट अ टाइम उससे ज्यादा खरीदें या उससे कम खरीदें। यानी कि अभी तक हमने जितने सवाल किए थे उसमें जो एक चीज थी वो ये थी कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, इन द क्वेश्चन, राइट। पहली बात तो ये कि कैश डिस्काउंट का अभी हमारे सिनेरियो से कोई ताल्लुक है ही नहीं, क्योंकि कैश डिस्काउंट तो टोटली इरेलेवेंट है इन दिस सिनेरियो, इन द सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट का ताल्लुक तो पेमेंट से है, उसका परचेजिंग फंक्शन से कोई डायरेक्ट ताल्लुक है ही नहीं, राइट। तो इस कैश डिस्काउंट तो यहाँ पे हमने कंसिडर करना ही नहीं है फॉर एवर, कभी भी, राइट। ट्रेड डिस्काउंट पर हम आते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ट्रेड डिस्काउंट होता ही क्या, उसका दूसरा नाम है बल्क डिस्काउंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंकरेज यू टू परचेज फ्रॉम द सप्लायर, द मोर दैट यू कैन द बेटर, इन अदर वर्ड्स कि वो सप्लायर आपको इंकरेज करने के लिए कि आप उससे एट अ टाइम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करें, तो वो क्या आपको ऑफर करेगा, समथिंग कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट और बल्क डिस्काउंट। तो अब इसके अंदर क्या सिनेरियो, ये की पॉइंट के ऊपर हम बाद में आते हैं, सिर्फ उसको समझाने के लिए देखें यहाँ पे क्या दे रहा है वो। कंटिन्यूइंग द बेसिक एग्जांपल ऑन ईओ की डिस्कस्ड अर्लियर, द सप्लायर हैज नाउ ऑफर्ड द फॉलोइंग डिस्काउंट्स। अब ये कौन सी एग्जांपल की बात कर रहे हैं उसके ऊपर हम अभी आते हैं। जैसा ये दे रहा है, उसने आपको ये कहा कि अगर आप 10,000 से लेकर 19,999 यूनिट्स तक का ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी कि बीच में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 15,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं या 10,000 का ऑर्डर प्लेस करते हैं या 12,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, 0.1%। यानी कि इस रेंज में अगर आपका ऑर्डर साइज हो, एक दफा में आप इतने जो है वो रेंज का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको 0.1% का ट्रेड डिस्काउंट ऑफर होगा, राइट। इसी तरह से अगर आप 20,000 यूनिट से लेकर 39,999 यूनिट्स तक का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 3.5% का, और 40,000 यूनिट्स का उससे ज्यादा का एक टाइम पे अगर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको 8.5% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ पे क्या सिनारियो होगा, ये बेसिकली एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी ईओक्यू की पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 10 पे जरा आ जाते हैं। पेज नंबर 10 आपका ये वाली एग्जाम्पल डिस्कस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, कॉस्ट पर यूनिट आपका फिक्स था, 6 रुपए पर यूनिट आपको कॉस्ट मिलेगी। छह रुपए पर यूनिट की आपको कॉस्ट पड़ेगी, आप भले जितना भी ऑर्डर प्लेस करें, 20,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, व्हाट सो एवर, राइट। अब इस सिनेरियो के अंदर, अब इसके अंदर हमने एक जो है वो वेरिएंस हम ले आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस सिनेरियो, इस वाले एग्जाम्पल में हम ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो आप मुझे बताइए क्या आपको 6 रुपए पर यूनिट परचेज कॉस्ट पड़ेगी रॉ मटेरियल की एट एवरी ऑर्डर साइज, नहीं है ना। अब आपके पास चेंज हो रही है तो अब आपने ये भी डिसाइड करना है, आपने ये भी डिसाइड करना है कि अब हम कितना ऑर्डर फिर प्लेस करें। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इस सिनेरियो में भी अभी 8,000 यूनिट्स ही है, ये याद रखिएगा। ईओ क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना है, 8,000 यूनिट्स है इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब हमारे पास इन्होंने वेरिएशन, पहला काम तो हमने इन एनी केस यही करना है, हमारे पास इस तरह का ट्रेड डिस्काउंट का कोई एग्जांपल आएगा तो हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 विल बी टू कैलकुलेट ईओक्यू इग्नोरिंग डिस्काउंट।
आपने डिस्काउंट वाली इन्फॉर्मेशन को टोटली इग्नोर करके जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे आपने कैलकुलेट करना है कि भाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता अगर हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट ना होता, तो वो तो चीज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टेप नंबर वन इज ऑलरेडी बिन डन, है ना, कि ट्रेड डिस्काउंट का हमने टोटली इग्नोर कर दिया और हमने बाकी गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके फाइंड आउट कर लिया कि इकोनॉमिक ऑर्डर साइज क्या होगा, विच इज 8,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। ठीक है, चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहली एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैलकुलेट कर ली। चलें जी आगे चलते हैं। सेकेंड स्टेप फिर क्या है इस सिनेरियो में, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू। आप ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लें, लेकिन अब आपने इन्वेंटरी कॉस्ट को भी इस्तेमाल करना है। अब से पहले याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट डिस्कस करने से पहले जब अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती थी तो हम सिर्फ टोटल कॉस्ट में दो रेलेवेंट कॉस्ट लेते थे, एनुअल कैरिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, है ना। टोटल कॉस्ट का अगर कोई पूछता था तो यही वाली एग्जाम्पल में आप देख लें, यहाँ पे जो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है इस एग्जाम्पल में वो सिर्फ दो चीजों को लिया है। क्यों? क्योंकि हम कहते थे परचेज कॉस्ट इज रेलेवेंट। परचेज कॉस्ट अगर आप ले भी लेंगे आंसर यही आएगा, क्योंकि परचेज कॉस्ट हर लेवल पे सेम ही होना है। ठीक है, टोटल एनुअल परचेज कॉस्ट। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी, क्योंकि यहाँ पे अब आपको पता है कि हर ट्रेड डिस्काउंट के लेवल पे स्टार्ट स्टेप टू में भी अभी डिस्काउंट इग्नोर ही करना है। ठीक है, स्टेप टू पे भी आपने ईओक्यू को यूज कर रहे हैं ना, ईओक्यू इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, यहां तक बात क्लियर हुआ। अब आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने ये देखना है कि अच्छा अगर अभी भी ट्रेड डिस्काउंट ना हो तो 8,000 यूनिट्स आपका ईओक्यू है। ठीक है, 8,000 यूनिट्स इज योर ईओक्यू। इस सिनेरियो में भी हम ईओक्यू अभी भी क्या बोलेंगे, 8,000 यूनिट्स ही हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि 8,000 यूनिट्स इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट पे क्या टोटल कॉस्ट आती है, नाउ यू हैव टू इंक्लूड इन्वेंटरी कॉस्ट एज वेल, परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट एनुअल। ठीक है, वो आपने ले ली। फिर आपने स्टेप थ्री में क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट मिनिमम डिस्काउंट लेवल। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब आप इधर आ जाएं, याद रखिएगा आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ना फिर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, क्या कंपैरिजन करना है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने तो हमें पूरी रेंज बता दी है, 10,000 से लेके 19,999 यूनिट्स पर डिस्काउंट मिलेगा 0.1। तो अब इसमें हम मतलब कितने यूनिट्स को लेके कंपेयर करें कि जी हमारे पास ये सिचुएशन बेनिफिशियल है या नहीं। आपने क्या करना है, जो आपको रेंजेस दी हुई हैं उनके आपने सबसे मिनिमम लेवल्स पिक करने, यानी कि यहाँ पे कौन सा 10,000, यहाँ पे कैसा 20,000, यहाँ पे 40,000, यानी कि आपने इन तीनों फिगर्स को रिप्रेजेंटेटिव लेना है। आपने आगे वाली चीजों को इन अदरवाइज इग्नोर कर देना। आपने कहना है कि अगर 10,000 ऑर्डर साइज होगा तो डिस्काउंट मिलेगा 0.1%, अगर 20,000 ऑर्डर साइज होगा तो 3.5%, अगर 40,000 ऑर्डर साइज होगा तो 8.5%। फिर आपने क्या करना है, इन आपने ईओक्यू पे तो टोटल कॉस्ट निकाल ली ना, इन्वेंटरी कॉस्ट प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट प्लस एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर आपने इन तीनों लेवल्स पे भी इन्वेंटरी टोटल कॉस्ट निकालनी है। लेकिन अब आपको बात क्या पता लग गई, आपको अब ये बात पता लग गई कि अब आपकी इन्वेंटरी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिफरेंट आएगी। यहां तक बात क्लियर है, अगर आप ऑर्डर साइज 10,000 यूनिट्स लेते हो, है ना, तो आप मुझे बताइए कि विदाउट ट्रेड डिस्काउंट तो आपका कॉस्ट पर यूनिट है 6, यस और नो? ठीक है, एग्जैक्टली। फिर ईओक्यू के क्वेश्चन में बच्चे प्रैक्टिकली तो डिस्काउंट मिलता है ना अनु, मैंने आपको ये कहा था ईओक्यू की कैलकुलेशन अभी जब हम कर रहे हैं तो अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ट्रेड डिस्काउंट को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपको मिलता नहीं है ट्रेड डिस्काउंट। यानी कि हाउ कैन वी सॉल्व इन्वेंट्री का सिचुएशन विदाउट कंसिडरिंग ट्रेड डिस्काउंट, मुझे आप ये जवाब दे दें। जी बिल्कुल, टोटल के बेसिस पे हम करेंगे, मुझे 2 मिनट दे रहे हैं, अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुई है, पहले ऐसा ऐसा करके देखते हैं ना, अभी कंफ्यूजन हो रहा है। स्टेप नंबर थ्री पे अभी हम उठे हुए हैं, रुके हुए हैं। स्टेप नंबर थ्री पे क्या कह रहा है वो, स्टेप नंबर थ्री पे ये कह रहा है, देखिए एक तो हमने 8,000 यूनिट्स पे क्या टोटल कॉस्ट आएगी वो हमने स्टेप नंबर टू पे कैलकुलेट कर लिया। अब स्टेप नंबर थ्री पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, जो आपको ये रेंजेस दी हुई हैं ट्रेड डिस्काउंट की उसका आपने सबसे मिनिमम लेवल पे आपने कैलकुलेट करके बताना है। 10,000 अगर हमारा ऑर्डर साइज होता है तो वो ये कह रहा है कि फिर आपको पर यूनिट पे 6
रुपी पर यूनिट के बजाय 0.1% डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ ना इसको, ठीक है? इसको बता दें, 6 के ऊपर 0.1% अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं साथ साथ में अभी कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है? 6 पे 0.1% है, याद रखिएगा, तो 0.006 आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट? तो -6 करेंगे तो आपके पास क्या होगा, 6 -0.006, ये आपका डिस्काउंट हो गया, और आपके पास जो फाइनल पर यूनिट प्राइस पड़ रही है वो कितनी पड़ रही है? तो अब आपने जो टोटल एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है ना, वो आपने कैलकुलेट करनी है 5.994 पे, एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये, आप याद रखिएगा, ये भी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है, ये भी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट है। तो पूरे साल में आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? पूरे साल में आपकी रिक्वायरमेंट इस एग्जाम्पल में थी 80,000 यूनिट्स। तो आप मुझे बात सोच के बताइए, अगर आप पूरे साल जो है 10,000 यूनिट्स का एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, याद रखिएगा, एक दफा जो ऑर्डर साइज फिक्स कर लिया वो आप पूरे साल वही फॉलो होता रहेगा। तो अगर आप एक टाइम पे पूरे साल में 10,000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो अब आपको ये जो टोटल 80,000 यूनिट्स जो आपने पूरे साल में इकट्ठे मतलब टोटल परचेज किए हैं, उनमें हर यूनिट पे आपको कॉस्ट कितनी आई होगी इन्वेंट्री की? 5.994, इज दैट क्लियर? तो अब एनुअल परचेज कॉस्ट निकालने के लिए फिर मैं क्या करूंगी, 80,000 टोटल यूनिट्स आपने परचेज किए हैं, हर यूनिट पे अब आपको 5.994 का खर्चा पड़ा है, तो अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट इतनी हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हुई? इसी तरह से आपने क्या कैलकुलेट करना है कि 20,000 अगर मेरा ऑर्डर साइज होता है, ठीक है, 20,000 अगर ऑर्डर साइज होता है, तो उसमें मेरी क्या परचेज कॉस्ट पड़नी है? 6 जो है वो आपका ओरिजिनल था विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, राइट? 6 के ऊपर आपको 3.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 0.21 आपको डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है? 0.21, ये सारी वर्किंग अभी हम देखते हैं। तो ये आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 6 -0.21, ये आपके पास आ जाएगा 5.79। तो 80,000 यूनिट्स अब आपको पूरे साल में कितने के पड़े, 5.79 पर यूनिट, ठीक है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर दिस। यहां तक बात क्लियर हो गई? तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी आपकी डिफरेंट आएगी डिफरेंट ऑर्डर साइज पे, इसके अलावा ऑर्डरिंग कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, इसके अलावा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी ऑब्वियसली बात है हिट होगा, है ना? तो हर चीज अब आपकी चेंज होगी। तो आपने तीसरे स्टेप पे क्या कैलकुलेट करना है, तो एक्चुअली करना क्या है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपने ईओक्यू पे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, यानी कि 8,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे इग्नोरिंग ट्रेड डिस्काउंट, फिर आपने 10,000 पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, 20,000 पे टोटल कॉस्ट निकालनी है, और 40,000 पे टोटल कॉस्ट निकालनी है। फिर आपने क्या कंपेयर करना है, आपने हर टोटल कॉस्ट को कंपेयर किससे करना है, 8,000 वाले लेवल से, ईओक्यू वाले लेवल से, क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वॉज योर ऑप्टिमम लेवल। बस बच बेटा, मैं इसको खत्म कर रही हूँ, ठीक है? अब आपने क्या करना है, तो डिसीजन टू अवेल डिस्काउंट और नॉट वुड बी डन कंसिडरिंग द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस। अब आपने देखें क्या किया, ईओक्यू आपका 8,000 यूनिट्स फिक्स है ना? अगर आप 8,000 यूनिट्स पे कैलकुलेशन करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो वो निकलता है 5,04,000, ठीक है? तो ये आपने 5,04,000 तीन दफा लिख दिया, क्यों? क्योंकि आपने 10,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को भी 8,000 से कंपेयर करना है, 20,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को भी 8,000 से कंपेयर करना है, और 40,000 की टोटल कॉस्ट को भी 8,000 वाली लेवल से कंपेयर करना है। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं ना कि ईओक्यू से डेविएट करें या ना करें, विदाउट ट्रेड डिस्काउंट अगर हम ट्रेड डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो हमारा ऑर्डर साइज इज इकोनॉमिकली क्या है, 8,000 यूनिट, तो उस पर हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिल रहा। आप खुद ही देख ले, इन्फॉर्मेशन भी ऐसी कह रहा वो, है ना? आपका ट्रेड डिस्काउंट आपको ऑफर ही 10,000 यूनिट से हो रहा है। तो हमारा डिसीजन ये है ना कि हम, पहली बात तो ये, क्या हम ट्रेड डिस्काउंट अवेल करें, और अगर करें तो कौन से लेवल पे करें, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 8,000 यूनिट्स अगर आप लेते हैं विदाउट ट्रेड डिस्काउंट, उस पर तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं, तो आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी बनती है पूरे साल की, 80,000 यूनिट्स आप खरीदेंगे एट द रेट ऑफ ₹6 पर यूनिट, वो तो ₹6 पर यूनिट पड़ेगा। एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना होगा, ऑर्डर साइज 8,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 3 हमारा क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये ऊपर वाले एग्जाम्पल से आप देख लेंगे इसको, ठीक है? और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी, आपको टोटल 80,000 यूनिट्स चाहिए, 8,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर है, यानी कि आपको 10 ऑर्डर्स टोटल प्लेस करने पड़ेंगे, हर ऑर्डर का प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो बताया हुआ है 1,200, तो यानी कि 8,000 यूनिट्स को प्लेस करने का, ऑर्डर प्लेस
प्लेस करने का टोटल खर्चा आपके पास कितना आएगा, 5,04,000। और उसमें अब ये फर्क है कि अब हमने परचेज कॉस्ट को भी शामिल कर लिया। अब हम आते हैं इधर, अगर आप 10,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यानी कि साल में आप 8 दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट अभी भी कितनी है, 80,000 है। यहां तक बात क्लियर है? तो 80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यानी कि आपने साल में फिर 8 दफा ऑर्डर प्लेस करना है। अब नीचे आ जाते हैं, देखते हैं उसको। अगर आप 10,000 यूनिट्स का एक ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको अब कितना परचेज कॉस्ट पर यूनिट पड़ेगा, वही बन रहा है 5.9 something, राइट? 5.994, राइट? तो 80,000 यूनिट्स अब आपको 6 रुपए के बजाय 5.994 के पड़ेंगे, यानी कि अब इन 80,000 की टोटल परचेज कॉस्ट हो जाएगी 479,520। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, ऑर्डर साइज इज नाउ 10,000 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भी 99.9% किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो इस एग्जांपल के अंदर इन्होंने बेसिकली 50% पर यूनिट पर एनम कहा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जब आपको ये 6 रुपी के बजाय 5.994 पे पड़ेगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी 50% ऑफ 5.994 ही कैलकुलेट होगा। आई होप दैट्स क्लियर। यहां तक बात समझ आ रही है? डिस्काउंट है ना, तो बेसिकली कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आपका कैलकुलेट हो रहा है, इट्स 50% ऑफ 5.994, है ना? क्योंकि आपके लिए अब 6 रुपी पर यूनिट नहीं है कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ठीक है? तो कैरिंग कॉस्ट भी फिर आपकी हर सिनेरियो में डिफरेंट होगी। जी बिल्कुल, दो मिनट दे दें, एक मैं जरा एक्सप्लेन कर दूं, फिर 20,000 और 40,000 का आप लोगों का होम असाइनमेंट होगा और एक और होम असाइनमेंट होगा आपका। लेट मी चेक क्वेश्चन नंबर 2.8, देखते हैं कि उसमें आपको होम असाइनमेंट देना है नहीं देना, ठीक है? और फिर कल इंशाल्लाह मैं जो हूँ आप लोगों से, आप लोगों का देख लूंगी कि आज वाला होम असाइनमेंट कंप्लीट किसने किया है और जो कल मैंने आपको दिया हुआ वीकेंड पे वो किसने कंप्लीट किया, ठीक है? अच्छा जी, आगे आ जाए। एनुअल कैरी ऑर्डरिंग कॉस्ट फिर आपका कितना होगा, ये एओसी है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके 8 है, 1200 के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी 9600। अब जब हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं इस सिनेरियो में तो देखें टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। अब आप बेसिकली डिसाइड ये कर रहे हो कि क्या हमें 8000 यूनिट से डेविएट करना चाहिए या नहीं, दैट इज योर पॉइंट ऑफ डिसीजन, राइट? तो आप यहाँ पे देखें, आप ये कहोगे कि भाई 8000 यूनिट्स हमारे लिए ऑर्डर प्लेस करना ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल है, ज्यादा फीजिबल है, ठीक है? 105 रुपए का यहाँ पे हमें एडिशनल खर्चा आ रहा है, तो ये वाला लेवल तो आपका हो गया रिजेक्ट, ठीक है? अब आप इसी तरीके से 20,000 यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, या आपने सबने रिवाइज करना है, गो थ्रू करना है इस पूरे टेबल को, ठीक है? खुद कैलकुलेट करेंगे। 20,000 यूनिट्स का अगर हम ऑर्डर साइज रखते हैं तो जब हम इसके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 496,500। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चे? हमजा, क्या टेबल में क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? मैंने आपको कहा कि आपने 8000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट निकालनी, टेबुलर फॉर्म में ना करें, अलग से कर लें, टेबुलर फॉर्म में इसको कंपेयर कर लें, बस सिंपल। चलें काम ही करते हैं, इसको फिर मैं कल दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ये आप लोग इसको एक दफा स्टडी करें, ये मैं आपको होम असाइनमेंट दे रही हूँ, आपने इस टेबल को दोबारा स्टडी करना है। 20,000 यूनिट्स और 40,000 यूनिट्स को आपने स्टडी करना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ये आपका होम असाइनमेंट है, ठीक है? और क्यों नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, चले मैं खुद से पूरा टेबल आप लोगों से बनवाती हूँ, ठीक है? इसको इस तरह से रीड करने के बजाय, स्टडी करने के बजाय मैं आपको कहूंगी कि भाई आपने मुझे टोटल एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके मुझे बतानी है, तो फिर मैं आज आपको फिर होम असाइनमेंट अपेरेंटली फिर नहीं दूं, ठीक है? इसी टेबल को जरा रीड करें और दोबारा से समझेंगे, ठीक है जी? समझा देंगे इंशाल्लाह। क्यों कर रहे हैं हमजा बच्चे, क्यों कर रहे हैं बताएं, ये हम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि सप्लायर ने अब आपको ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर दिया है ना, तो आपने ये डिसाइड करना है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट पे चले या ईओक्यू पे चले। डिसीजन मेकिंग बच्चे, थोड़ा सा आप जो है आप लोग अपनी, अब इस चीज में तो आप लोगों को खुद ही वो करना है ना, एग्जैक्टली पर यूनिट सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब अब डिसीजन मेकिंग है। आपके सामने ये ऑप्शंस रख दिए हैं, आपने जब विदाउट ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया तो आपको पता ये चला कि जी 8000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट सबसे कम हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर हो गई?
है ना। पहले जब आपने ये सॉल्व किया तो आपको जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, फिर आपको बीच में सप्लायर ले लेकर आ रहे, कह रहे 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। क्या जी रुक जाएं, रुकेंगे कि मैं आपको ये ट्रेड डिस्काउंट्स के रेंजेस ऑफर कर रहा हूँ, ये मेरा पॉलिसी है। अब आप देख लें आपने कितना ऑर्डर साइज रखना है। तो आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा 8,000 यूनिट्स पे तो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, जो हमने ईओक्यू के फॉर्मूले में इसके थ्रू निकाला, 8,000 यूनिट्स पे तो कोई ट्रेड डिस्काउंट है ही नहीं। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट के ऑप्शंस पे जाते हैं तो अब जरा हमें बताएं कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज, मतलब सबसे हमारे पास बेनिफिशियल ऑप्शन क्या होगा। क्यों नहीं होता? ऑर्डरिंग कॉस्ट का परचेज कॉस्ट से कोई ताल्लुक सो फार नहीं है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो अपने ही, उसका तो नंबर ऑफ ऑर्डर से ताल्लुक है, जितनी दफा ऑर्डर प्लेस करेंगे उतना ज्यादा। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पे एक्चुअली फर्क पड़ रहा है, ऑर्डर साइज से ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स की वजह से। ऑर्डर साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो रहे हैं तो ऑर्डर कॉस्ट भी कम हो रही है। इज दैट क्लियर? ऑर्डर साइज देखें, जब बढ़ रहा है 10,000 से 20,000 पे हुआ तो ऑर्डर कॉस्ट आपकी कम हो गई, तो फर्क तो पड़ रहा है वैसे, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेड डिस्काउंट का पर ऑर्डर से तो, ऑर्डरिंग कॉस्ट से तो कोई ताल्लुक नहीं ना, उसका ताल्लुक तो परचेजिंग कॉस्ट से है। तो चलें काम करें। होम असाइनमेंट आपका ये है कि आपने इस टेबल को दोबारा से स्टडी करना है, कोशिश करना है, खुद सॉल्व करें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। चलें मैं दोबारा करवा दूंगी, कोई मसला नहीं, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, अपने आप को थोड़ा तैयार करें, प्रिपेयर करें थोड़ी टेक्निकल डिस्कशन के लिए। अब ठीक है, अब ये थोड़ी सी टेक्निकल डिस्कशन है, अब आप सीमैक में आ गए हैं। दिस इज नो लॉन्गर इंट्रो FAR 1, जिसमें जो है वो बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाती हैं, बस एक फॉर्मेट आपको बता दिया जाता है, उस फॉर्मेट के अंदर आपने चीजों को सॉल्व करना होता है। नाउ दिस इज समथिंग टेक्निकल, नाउ डिसीजन मेकिंग अब एक थोड़ा टेक्निकल है, आपने खुद अपनी जरा अंडरस्टैंडिंग को अप करना है, थोड़ा सा हाई लेवल पे सोचने की कोशिश करें। इट्स अ वेरी अनइजी पिल टू सॉलो, यस इट इज, लेकिन आप थोड़ा इंटरेस्ट लेना है इसमें, आप खुद सोचें, आप सिनेरियो के अंदर खुद अपने आप को प्लेस करें। शाहरुख साहब, आप अपने आप को खुद प्लेस करेंगे, अगर आपके सामने आप एंटिटी हो जिसने ये रॉ मटेरियल खरीदना है, अब अगर आपके सामने ये दे दिया जाता है तो आप कैसे डिसाइड करोगे? दैट इज द मेन पॉइंट। इस तरह से आप थोड़ा इंटरेस्टिंग रखो ना, आप इसको इधर से टैकल करो, दूसरे तरीके से टैकल करो। करना क्या है? यू नीड टू डिसाइड डिस्काउंट लें या ना लें। फिजान आप खुद स्टडी करो, कल फिर डिस्कस करेंगे। देखें कोई चीज समझ में नहीं आती तो नो इश्यूज, मेरा काम आप लोग को समझा के आगे जाना है। जब तक ऑब्वियसली बात है, 100% तो मैं सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं एक टाइम पे सेटिस्फाई कर सकूंगी, राइट? लेकिन जब तक मेरे मेजोरिटी, अगर 35 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और अगर 30 मतलब एक बच्चा सिर्फ कह रहा है समझ आ गया, बाकी कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया, तो मैं आगे नहीं जाऊंगी, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी। एक बच्चा भी अगर कहेगा ना कि मैम अभी तक मुझे समझ में नहीं आई, तो अगर एक बच्चा होगा बाकी सब कहेंगे कि मुझे समझ आ गया, तो मैं आगे जरूर चलूंगी, लेकिन मैंने उस बच्चे को समझाना जरूर है। मैं अगर आपको नोट किया हो तो मैं उस बच्चे को बोलती हूँ कि भाई मुझसे प्राइवेटली कॉन्टेक्ट कर लें, राइट? हाँ जी, मैंने तो कहा था कि अब वो तबीयत मैं अपनी भूल गई हूँ सारी। चलें जी, ऑडिट के लिए आप जा सकते हैं, ठीक है? मैं भूल गई थी कि मेरी तबीयत खराब है, सही है? अच्छा जी जी फिजान, चले मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ। फिजान साहब, अगर आपने कुछ डिस्कस करना है तो आप मेरे से बाद में कर सकते हैं, किसी और ने भी कुछ डिस्कस करना है, ऑडिट की क्लास नहीं है तो यू कैन स्टे बैक एंड यू कैन डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद मी। मैं फॉर द टाइम बीइंग रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है? चलें जी, अल्लाह हाफिज।